हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फेशियल लेके आई हूँ, जिससे आपके चेहरे पर इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा, आप देखते रह जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में थोड़ा सा दूध ले लिया है। आप कच्चा भी ले सकते हैं या फिर गर्म दूध को ठंडा करके भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें 3 से 4 केले के छोटे छोटे पीस डालने हैं। और हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट्स है किशमिश, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है इस फेशियल का या फेस पैक का। तो हमें किशमिश लेनी है 8 से 10 दाने। इसके बाद हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 घंटे के लिए दूध में ऐसे ही भिगो के छोड़ देना है। 2 से 3 घंटे बाद हम देखेंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है बनाना। आप इसको मतलब अपने हाथों से भी मैश कर सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो आप इसको मिक्सी के अंदर अच्छे से ग्राइंड भी कर सकते हो। तो मैंने इसको मिक्सी में डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब ये हमारे फेशियल के लिए तैयार है। आप देखना, बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस पे एक बार के यूज़ से। तो ये देखिए, ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। हमें इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स और मिलाना है, उसका नाम है हनी। तो हनी हमारी स्किन को अच्छे से टाइट करता है, जो हमारे फेस पे रिंकल्स वगैरह होंगे उसको ये क्योर करेगा। तो हमने 1/2 चम्मच इसके अंदर हनी मिक्स कर लिया है। सो फ्रेंड्स, मैं स्क्रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल ही स्क्रब किया है। तो आपको क्या करना है, इस पेस्ट को थोड़ा सा एक बाउल में लेना है 2 चम्मच। उसके बाद उसमें हमें शुगर पाउडर या फिर राइस का पाउडर मिक्स करके हमें स्क्रब करना है 2 से 3 मिनट के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने वो स्टेप नहीं किया है, मैं डायरेक्ट इसको अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने अपने फेस को रोज़ वाटर से क्लीन कर लिया है। आप किसी टोनर से भी कर सकते हैं, बट मैं हमेशा रोज़ वाटर से ही करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैक है। अब मैं इसको अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी, अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं या फिर अपने हैंड से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता ही फ्रेंड्स, बनाना में कैल्शियम, पोटेशियम ये सब होता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन के जो ये ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है, वो भी इससे क्योर हो जाएगी। आप देखना, इतना अच्छा ग्लो आ जाता है एक बार के यूज़ से। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, ये फेशियल तो हमें वीक में 2 बार करना ही करना चाहिए। तो आप इसको वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए, मैंने अपने पूरे फेस पर इसको लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अपने फेस पर अपने हाथों से फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करनी है हमें 2 से 3 मिनट के लिए। स्क्रब नहीं है फ्रेंड्स, ये एक मसाज है जेंटली। तो आप देखिए, इस तरीके से हमें मसाज करनी है अपने फेस में। 2 से 3 मिनट के बाद हमें अपने फेस पे फिर से ये थोड़ा सा पैक लेके हल्का हल्का सा लगा लेना है, क्योंकि ये तो हमारी स्किन के अंदर चला गया है जो अंदर जाके काम करेगा। अब हमें थोड़ा सा पैक लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए, पूरे तरीके से अच्छे से मसाज हो गई है, आईज एरिया पे, नेक पे, चिन पे, हर जगह इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर मसाज करनी है। अब मैंने इस पैक को फिर से अपने फेस पे हल्का हल्का सा लगा लिया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए सूखने दूंगी। ये देखिए, ये सूख चुका है। अब मैं अपना फेस वॉश करने बाहर नहीं जाने वाली हूँ, मैं आपको आपके सामने ही अपना फेस वॉश करके आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको ऐसे नहीं लगे कि मैं फिर से मेकअप करके आके आ गई हूँ और अपने फेस पे ग्लो दिखा दिया है। तो फ्रेंड, ये देखिए, आपके सामने मैंने अपना फेस क्लीन किया है गीले टॉवल से। तो आप देख सकते हैं, एक बार के यूज़ से कितना अच्छा ग्लो आ गया है। स्किन कैसे चमक रही है, शाइन कर रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये रियल में बहुत कमाल का फेशियल है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए वीक में 2 बार, आपको नेचुरली ग्लो मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नए नए वीडियो बना सकूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए कोकोनट क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर ली है। आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो है फेस पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिव करता है, बहुत ही मतलब
ऐसा मन करता है कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।